हुआ। यस, इस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ए कृष्णनंदन वर्मा, बी रमेश पोखरियाल निशंक, कौन है बताइए? तो और कृष्णनंदन वर्मा भी शिक्षा मंत्री है लेकिन वो बिहार के हैं और रमेश पोखरियाल निशंक भारत के शिक्षा मंत्री। जबरदस्त ताली, बहुत अच्छे, बेहतरीन, अद्भुत। और दुर्योधन, आप यह जान लीजिए कि यह तलवार का थार है, समझे? ये तलवार का थार है, अगर इस तलवार पर चलने में थोड़ी सी गलती हुई तो सर कट जाएंगे, इसलिए आपका सवाल होता है। बहुत ही खुश सवाल है, गौर से सुनिएगा, गौर से देखिए, बिना ऑप्शन का आप टिक नहीं पाएंगे। आपको बताना है उल्टा झंडा, उल्टा झंडा किस बात का प्रतीक है? विरोध का प्रतीक है या संकट का प्रतीक है? संकट का प्रतीक है या विरोध का प्रतीक है? विरोध और संकट में से चुनना है। संकट का प्रतीक है, फाइनल। उल्टा झंडा, संकट का प्रतीक और दुर्योधन। अब उधर किसी पर संकट नहीं आया था लेकिन आपने संकट को लॉक किया, इसलिए दुर्योधन के ऊपर संकट टल गया। बिल्कुल सही था, बहुत अच्छे, बेहतरीन, चारों ने सही जवाब दिया। बारी है युद्ध में अस्तित्व आने वाले युधिष्ठिर की, अब तक स्थिर है लेकिन इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक आपको इस क्विज से बाहर कर सकती है। बेहतरीन सवाल है आपका, कोपरनिकस को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? सौरमंडल की खोज के लिए या ग्रह की खोज के लिए? बताइए ग्रह और सौरमंडल में से ग्रह के लिए फाइनल हो गया, किसने लॉक किया ग्रह? तो 100% सही नहीं है, गलत है, यू आर रॉन्ग। और मुकाम पर आकर गलत होना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। क्यों? क्योंकि ऋषिर आपके टोटल अंकों में से 20 अंक काट लिए जाएंगे। ग्रह का खोज क्या था? कैप्टन। और सौर मंडल का खोज क्या था? कॉपर। इस टाइम होने के लिए हमने कहा था संयम भी जरूरी है, जिंदगी में संयम को भी रखना सीखिए। अगर परफॉर्मेंस ना हो तो संयम के साथ, यानी इस क्विज का पहला झटका, लेकिन ये पहला झटका भी आखिरी हो गया क्योंकि ये 20 अंक का झटका था और इस झटके के साथ युधिष्ठिर शायद इस दौर से बाहर हो चुके क्योंकि आपके टोटल अंक में से 20 अंक माइनस कर दिए गए। इस अंक का आखिरी सवाल, तैयार है? किसी चीज के बारे में अगर पूरी जानकारी ना हो तो यहां पर आकर खामोश हो जाना ही बेहतर होगा क्योंकि एक एक शब्दों की हेराफेरी है और शब्दों की हेराफेरी को अगर आप पकड़ नहीं सके तो शायद यहां पर खामोश रहना ही बेहतर होगा। तो आपका सवाल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार है प्रधानमंत्री को कि राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से किसको है? फाइनल, तो चुनाव करने से लिए बैठे।